समय हर किसी के जीवन में अमूल्य होता है। जीवन में अच्छा बुरा समय आता जाता रहता है। जो समय एक बार बीत जाए वह वापस लौट कर नहीं आता। कई बार ऐसा होता है कि अच्छा समय बहुत देर से आता है या आते आते रह जाता है। अच्छा समय देर से आने का कारण आपके घर की घड़ी भी हो सकती है। वास्तु के अनुसार घड़ी व्यक्ति का वक्त बदल सकती है। यह व्यक्ति के समय को अच्छा भी बना सकती है और बिगाड़ भी सकती है। घड़ी से ही वक्त का अंदाज़ा लगाया जाता है। घर में बंद घड़ी की वजह से हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घड़ी को हमेशा उत्तर पूर्व की दीवार में लगाना चाहिए और कभी भी घड़ी को दक्षिण की दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा यम की दिशा होती है। यम को हिंदू शास्त्र में मृत्यु का देवता माना जाता है। वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा समय बताने वाली चीज़ों के लिए अशुभ मानी गई है। बहुत से लोग घड़ी को खिड़की व दरवाजों के पास लगा देते हैं। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। घड़ी के प्रयोग में यह ध्यान देना चाहिए कि किसी भी प्रकार की घड़ी हो उसे सोते समय सिरहाने से दूर ही रखें। रात में सन्नाटे में घड़ी की टिक टिक की आवाज़ से नींद में बाधा आती है। साथ ही आजकल इलेक्ट्रॉनिक घड़िया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है। यह रेडिएशन मस्तिष्क और हृदय के आसपास नकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र बना देते हैं। इसके प्रभाव में सोना आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि घर की कोई भी घड़ी अपने समय से पीछे न चल रही हो। हो सके तो घड़ी का समय 10 या 5 मिनट आगे ही रखें, क्योंकि वक्त के साथ चलने में ही जीवन की उन्नति और विकास का रहस्य छिपा है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि घर की किसी भी घड़ी का शीशा टूटा हुआ न हो। यदि शीशा टूटा हुआ है तो तुरंत उसे बदल लेना चाहिए। टूटे शीशे वाली घड़ी का परिवार के सदस्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। घर में पेंडुलम वाली घड़ी लगाने से व्यक्ति के जीवन का बुरा समय दूर होता है और उन्नति के नए अवसर मिलते हैं। घर में घड़ी लगा रहे हैं तो हरे और नारंगी रंग की घड़ी लगाना शुभ होता है। दुकान या व्यापारिक प्रतिष्ठान में काले और गहरे नीले रंग की घड़ी नहीं लगानी चाहिए। इससे घर और दुकान में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। घर के हॉल में चौकोर और शयन कक्ष में गोल घड़ी लगानी चाहिए। ऐसा करने से घर में शांति और प्यार बना रहता है। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगे तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट में आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो लिखें। धन्यवाद।